क्लास टुडे यू शैल स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज टेल्स यू अबाउट एन एक्शन विच बिगैन सम टाइम इन द पास्ट एंड विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे गो ऑन इन फ्यूचर एज वेल. कोई काम जो पहले शुरू हुआ पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है और उसके आगे भी चलने की संभावना है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन हिंदी आप ये सेंटेंस देखिए, वह 5 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है. 5 बजे से, इट रेफर्स टू द टाइम इन द पास्ट एंड दैट वेट इज स्टिल गोइंग ऑन. वॉट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यू विल नोटिस हियर. First of all, you will write down subject, then has or have. You will choose one of the helping verb according to the number of the subject. Subject singular hai to has aega, plural hai to have aega. Then been, then verb plus ing. And then either since or for. In dono mein se ek aapko jo preposition hai wo add karni hoti hai, either since or for. सिंस कहाँ यूज़ करना होता है, सिंस शोज यू द एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कोई फिक्स टाइम है दिया है 5 बजे 6 बजे मंडे ट्यूसडे, या कोई किसी फेस्टिवल का नाम है तब आप सिंस लगाएंगे. अदरवाइज व्हेन इट इज इफ इट रेफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम तो आप फॉर लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट. सो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हियर आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी अबाउट दिस वॉज एफर्मेटिव सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं. देन द सेकेंड इज निगेटिव, इसमें सेम फॉर्म होती है, बस हैज और हैव के बाद आपको नॉट और लगाना होता है. देन द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी होती है, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड द सिमिलर फॉर्म सिंस और फॉर एंड ऑब्जेक्ट. I have given you some example sentences. Try to study them. He has been waiting for you since 5 o'clock. He has not been, this is negative sentence, he has not been waiting for you since 5 o'clock. And then the third type of sentence is interrogative sentence or question. Isko aap question bhi keh sakte hain. Has he not been waiting for you since 5 o'clock, और question marks इसको end करेंगे. Then I have given you the practice for translation as well in the similar tense. Sentence number 1 है आपका, सुबह से बारिश हो रही है. तो इसका आपको जो translation होगा वो क्या बनेगा, बारिश हो रही है, it से start करेंगे sentence को और it के साथ has लगाते हैं. It has been raining since the morning. सिंस लगाएंगे क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आपको सिंस लगाना होता है. देन सेंटेंस नंबर 2, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है. तो इसका ट्रांसलेशन वह को इंग्लिश में ही, और ही के साथ आपने हैज़ लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बीन लगाना है, स्टडिंग पढ़ रहा है, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से. फॉर लगाया क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है. देन सेंटेंस नंबर 3, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सेंस मंडे. इसका हिंदी है, वे सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं. तो वे के लिए दे और दे के साथ हैव लगाना है, फिर ये निगेटिव है, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे. देन द लास्ट सेंटेंस इज, छात्र 5 बजे से खेल रहे हैं. छात्र के लिए द स्टूडेंट्स, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM. This you will do and try to practice some more sentences. Thank you.